यहाँ पर अहम खबर है, पाक चीन दोस्ती बस के बाद लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने पाक ईरान और पाक तुर्क बस चलाने का फैसला किया है। अब पाकिस्तानी सिर्फ चीन ही नहीं, तुर्की और ईरान भी बस के जरिए जा सकेंगे। अहम खबर है, अच्छी खबर है, मज़ीद जान लेते हैं दुआ मिर्ज़ा से। दुआ मिर्ज़ा, बताएगा कब से अमल दरामद होगा इस खुशखबरी पर? तौसीफ, पाक चाइना दोस्ती बस के बाद अब पाकिस्तानी जो है वो तुर्की भी जा सकेंगे और ईरान भी जा सकेंगे, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जानिब से ये भी बताया गया है कि इराक भी जा सकेंगे पाकिस्तानी। तो इसका फैसला आज कर लिया गया है, लेकिन शेड्यूल नहीं जारी किया गया और अभी सिर्फ फैसले पर अमल दरामद के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। गुज़िश्ता रात पहली बस जो है वो चाइना गई थी रात 11 बजे। इसी तरह बाकी ये फैसला कर लिया गया है कि ईरान, इराक और तुर्की भी जाया जाएगा। तो फैसला सामने आया, अभी शेड्यूल जो है वो बकायदा जारी किया जाएगा। जी, शेड्यूल अभी जारी किया जाएगा। और पाक चीन दोस्ती बस के बाद पाक ईरान और पाक तुर्की दोस्ती भी, पाक तुर्की जो बस है वो भी चलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा हमें अपडेट करने का।